गाइस आप देख रहे हैं अभी व्लॉग्स और अभी का टाइम हो रहा है 8:20 और हम तैयार हो रहे हैं और इस व्लॉग में आपको देखने मिलेगा। मैं अपनी वाइफ को पिक करने जा रहा हूँ तिलक ब्रिज, क्योंकि वो परमानेंट मेरे साथ दिल्ली में रहेगी, दिल्ली में शिफ्ट हो रही है वो परमानेंट मेरे साथ में। बहुत आना जाना लगा रहता था मेरा मुरादाबाद में, मैं इसीलिए कहीं और ट्रैवल नहीं कर पा रहा था। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि अब अंजलि मेरे साथ में रहेगी तो मैं थोड़ा दिल्ली भी एक्सप्लोर कर पाऊँगा उसके रहते, और उसे भी घुमा दूंगा थोड़ा। कभी वो दिल्ली घूमी नहीं है, अब वो मुरादाबाद छोड़ के परमानेंट मेरे पास रहेगी। बीच बीच में हम लोग जाया करेंगे मम्मी पापा से मिलने, जैसे कि हम जाते हैं मुरादाबाद नहा के रेडी होके, फिर आपसे मिलता हूँ। लाइक ज़रूर करके दे देना इस वीडियो को, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कर सकते हैं, और कमेंट करना अगर कोई चीज़ अच्छी या बुरी लगती है आपको तो कमेंट कर सकते हैं मेरे को। मेरा प्लान बन रहा है GoPro पर स्विच करने का, तो मैं GoPro की भी वीडियो डालूंगा जब मैं लेने जाऊंगा। तो अगर आपको GoPro का भी वीडियो देखना है तो इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आगे मैं जब वीडियो डालूँ GoPro Hero 9 की तो आपको देखने मिले। अब एक कंपलसरी मैं बता नहीं रहा हूँ, वैसे GoPro Hero 9 लेने का प्लान है, बाकी वहाँ पे जाके देखते हैं। बजट ऊपर नीचे हुआ तो शायद हम डाउनग्रेड भी चले जाएँ। अभी मैं इसीलिए नहीं कह रहा क्योंकि भाई अभी मेरी इतनी इनकम नहीं आ रही है यूट्यूब से, और यूट्यूब में मेरे सब्सक्राइबर तो अच्छे हो रहे हैं मगर वॉचिंग आवर्स है ना मेरे डाउन हो रहे हैं, तो इसीलिए अभी मेरे चैनल पर लगातार वीडियो नहीं डल पा रही। मेरे पास सेटअप नहीं हो रहा है अभी एडिटिंग करने का, तो जल्दी ही लैपटॉप भी लेना है, मतलब पैसा खर्च करना पड़ेगा तभी चैनल में थोड़ा ग्रो होगा। बाकी अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर मना जाए, और आगे और वीडियो आपको अच्छी अच्छी देखने मिलेंगी, ठीक है। तो चलिए जल्दी से फटाफट नहा लेते हैं, नहाने के बाद में हमें निकलना भी है, अंजलि को लेना है। वैसे तो अभी मैं आराम से, लड़के लोगों को इतना टाइम तो लगता नहीं है तैयार होने में, तो जल्दी से मैं आगे नहा लेता हूँ। नहाने A few minutes later. हम लोग हो गए रहा के रेडी, और अब नहा के कितना फ्रेश फील हो रहा है ये बस नहाने वाले को ही मालूम है। जो नहीं नहाते उनसे मैं कुछ नहीं कहूँगा कि आप नहाओ या मत नहाओ, मगर अब मैं नहा चुका हूँ, रेडी हो गया हूँ। बस अब टाइम बचा है मेरे पास में 1 घंटा, और आधे घंटे में हम पहुँच जाएंगे तिलक ब्रिज। यहाँ से है 16 किलोमीटर, वहाँ पर पहुँच के फिर मैं आपको वहाँ पे जाके दिखाता हूँ मैं गाड़ी कहाँ पार्किंग और ये सब। और टिकट तो लेना पड़ेगा, प्लेटफॉर्म टिकट के बगैर प्लेटफॉर्म पे अलाउ नहीं है, तो प्लेटफॉर्म टिकट भी लेना है। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं और मिलते हैं सीधे आपको तिलक ब्रिज में। Few moments later. तो गाइस हम आ गए हैं तिलक ब्रिज रेलवे स्टेशन, तो अभी ट्रेन थोड़ा टाइम लगेगा आने में, तो अभी हम वेट कर रहे हैं बाहर ही। मगर है ना टिकट काउंटर से मैं सो जाऊँ, प्लेटफॉर्म टिकट ले लेते हैं। प्लेटफॉर्म टिकट लेने के बाद में फिर हम अंदर प्लेटफॉर्म में जाके वेट कर लेते हैं, क्योंकि मुझे अंदर जाना पड़ेगा अंजलि को लेने के लिए। अंजलि को लेने तो उसके साथ सामान भी बहुत है ना, तो वो लेने के लिए मुझे अंदर ही जाना पड़ेगा। तो चलो टिकट लेते हैं जल्दी से। ये रहा हमारा टिकट घर तिलक ब्रिज का, देखते हैं बहुत दिन हो गए टिकट कितने की आ रही है। अब प्लेटफॉर्म टिकट पूछते हैं सर से। सर एक प्लेटफॉर्म टिकट दे दीजिए, प्लेटफॉर्म टिकट यही का तिलक ब्रिज 10 रुपये ये लीजिए सर। ठीक है थैंक यू। तो ये 10 रुपये का टिकट है तिलक ब्रिज का प्लेटफॉर्म का, फोकस ले ले ये रहा। तो हमने टिकट भी ले लिया है 10 रुपये का है। मैं तो सोचा कि अब थोड़ा चेंज हो गया होगा, थोड़ा और ज़्यादा महंगा हो गया होगा, मगर नहीं है। चलो गाड़ी को साइड में लगाते हैं पार्किंग में। गाइस हमने अभी यहाँ पर तिलक ब्रिज के पास ही में अपनी बाइक लगा दी है, यहाँ पर पार्किंग वार्किंग कुछ है नहीं, यहाँ से वहाँ तक कोई पार्किंग नहीं है, तो गाड़ी आपको आके ना यहीं लगानी पड़ेगी, प्लेटफॉर्म पर चढ़ा के लगानी पड़ेगी, मगर अपने रिस्क पे, कोई भरोसा नहीं यहाँ से उठ जाए गाड़ी या चोरी हो जाए, तो अपने रिस्क पे लगाना। मैंने तो अपने रिस्क पे लगाया है, इंश्योरेंस है गाड़ी का, इसीलिए मैंने खड़ी कर दी बस खाली। अब चलो प्लेटफॉर्म पे चलते हैं ऊपर की तरफ, देखें अब कैसा हो गया है यहाँ का तिलक ब्रिज का प्लेटफॉर्म देखने में। ये जा रही हैं सीढ़ियाँ का नज़ारा ऐसा है। अभी एक ट्रेन यहाँ पे खड़ी हुई है, बाकी प्लेटफॉर्म पे कोई भी ट्रेन नहीं दिख रही है। ये 7 नंबर प्लेटफॉर्म है इस साइडों में, अभी 6 है, फिर यहाँ पे 7 प्लेटफॉर्म है, शायद 7 नंबर तक प्लेटफॉर्म है। तो एक है यहाँ पर,
3-2 कोई ट्रेन आ रही है। चलो ट्रेन का व्यू दिखाता हूँ मैं आपको, लोकल ट्रेन होगी ये। लोकल ट्रेन बहुत दिनों बाद देखने मिल रही है। इसकी हॉर्न कुछ अलग ही है लोकल ट्रेन का और ट्रेनों से, मगर खाली है। आज संडे है ना, ऑफिस टाइम नहीं है, तो सारी ट्रेन खाली जा रही है। देखो दिखाता हूँ, ये देखो कोई नहीं दिख रहा ट्रेन के अंदर, गेट पे कोई खड़ा हुआ नहीं मिलेगा आपको। और ये रुक गई ट्रेन। तो गाइस पानी पी रहा हूँ, प्यास लग गई। यहाँ मेरे आगे पीछे कोई नहीं है अभी, और यहाँ बैठे हैं हम सीढ़ी पे। मैडम का वेट कर रहे हैं, मैडम कब तक आएंगी। अभी गाजियाबाद तक पहुँची है ट्रेन, और अभी 10 बज रहे हैं, गाजियाबाद से निकलेगी ठीक 10:01 पे। और यहाँ पे आने का टाइम उसका ऐसे ही हो जा रहा है 10:30 बजे तक, तो 10:30 बजे तक यहाँ पर होगी। तब तक का प्यास लग रही थी, मैंने बोला चलो पानी निकाल के पी लेते हैं। बैग में ही रख के लाया था मैं पानी, मैंने बोतल खरीदी थी यहाँ से, पानी घर से ही लेके चलते ठंडा, तो बैग में से ही निकाल के पी रहे हैं। एक एक्स्ट्रा हेलमेट मैंने रख लिया था बैग में अंजलि के लिए, अपना तो पहन के आए थे। तो देखते हैं जब आएगी तब आपको दिखाता हूँ। मैं ये पूछ रहा था आपसे कि क्या मुझे एक और चैनल खोल लेना चाहिए। इस चैनल को हो गए हैं मैक्सिमम 10 साल, जबकि मैंने वीडियो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डाली है, तो मैं सोच रहा हूँ कुछ कंटिन्यू करने के लिए कुछ अलग ही चैनल बनाऊं। जेन्युइन जो सब्सक्राइबर दिखेंगे मुझे, वो पता चलेगा कि हाँ भाई वो मेरी व्लॉग देख के आए हैं, क्योंकि मॉडिफिकेशन के जो सब्सक्राइबर होते हैं वो अलग होते हैं। और बहुत टाइम से मैं वीडियो डाल रहा हूँ, कभी नहीं डाल रहा हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ नया चैनल बनाऊँगा तो मैं उस पर फोकस कर पाऊँगा। और अभी मेरे पास में ना लैपटॉप है, ना ही मेरे पास कोई एक्शन कैमरा है, तो एक्शन कैमरा भी लेना है, लैपटॉप भी लेना है जल्दी से जल्दी। ट्रेन ने बजर बजा दिया हमारे ब्लॉक के बीच में, लोकल ट्रेन है, पिंक कलर की है, पिंक एंड वाइट कलर में। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि मुझे अलग चैनल खोल लेना चाहिए। अगर आप कमेंट करके बताओगे, जितने ज़्यादा कमेंट आओगे तो मैं उस हिसाब से डिसाइड करूँगा कि मुझे इस चैनल पे कंटिन्यू करना चाहिए या फिर अलग चैनल बना लेना चाहिए। ओके गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। गाइस अभी अभी अनाउंसमेंट हुआ है, गाड़ी 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ रही है, तो हम लोगों को 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाना पड़ेगा अंजलि को पिक करने। हम लोगों को कह रहा हूँ, मुझे कहना सीखना पड़ेगा, हम लोगों को ही निकलता है मेरे मुँह से। चलो तो ये रहा हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 4, ये रहा 4 नंबर। तो गाइस देख रहे हो कितना खाली है ये स्टेशन, तो हम अभी यहीं पे रख लेते हैं अपना सामान, हेलमेट। और बैग, एक लगेज हो गया एक्स्ट्रा मेरे पास में। अब यहाँ से बस खाली हमें देख रहे हैं ट्रेन आने वाली, तो D1 कोच इंजन के पास ही होता है, तो इंजन के कोच के पास में हम लोग जाके देखते हैं। पता नहीं कितना आगे आएगा, वहाँ तक आएगा या आएगा थोड़ा, तो इसलिए मैं यहाँ सेंटर में ही रुक गया। चलो बैठते हैं, थोड़ा बैठ के बातें करते हैं। अनाउंसमेंट एक और बार हो जाए तो मैं आपको रिकॉर्डिंग में लिखाता हूँ। तिलक ब्रिज का बोर्ड, आ गई शायद ट्रेन।
तो मैडम की ट्रेन आ चुकी है, तो हम लोग थोड़ा अपना लगेज टांग लेते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। D1 की तरह ये GS है, D1 पीछे है। ओहो ठीक है, हुआ था मैं सोचा आगे रुकेगी ट्रेन करने के लिए। चलो लगेज ले लेते हैं, तो अपना बैग टांग लो आगे। बैग भारी है तुम्हारा, ये वाला टांग लो, तुम लाओ ये टांग लो अभी बाइक तक। तो रही थी जब मैंने था। सस्ता बैग है बाबू, टेम्परेरी बैग है। फोन कर रहा है कोई, करने दो फोन। तो गाइस आ गई हमारी, हम पता नहीं, अब हम इसको लेके चलते हैं, लगेज उठा लो। देख लो तुम फोन किसका है, एक ही जगह है तो कॉल करके बता दो, वो चिंता कर रहे हैं। तभी तो बोल रहा हूँ मम्मी को कॉल। अरे पूरा सुनसान है, और ट्रेन आई थी, थोड़ा सा उतरे होंगे लोग बस खाली। उठाया फोन मम्मी ने, हेलो पहुँच गई, लाउड स्पीकर पे करना। नहीं उतरी हूँ अभी ट्रेन। अरे मैं अभी लेने के लिए यहाँ पर, तो ट्रेन से उतर के, ट्रेन क्या मेरी गली में आकर रुकेगी ये बताओ। नहीं मैं सोचती कि ट्रेन से उतर के और ये घर पहुँच गई है तो कर रही है। नहीं नहीं ना ना, मैं अभी ले, अभी प्लेटफॉर्म पे उतरी है, अब मैं लेके इसको घर जाता हूँ, ठीक है? तो मैं बताने के लिए फोन करा था, ठीक है? सही सलामत आ गई तुम्हारी लड़की, तुम चिंता कर रही हो ना, इसलिए मैं बोला फोन कर ले मम्मी को उतरते ही। चिंता चिंता चिता समान होती है ना। चलो ठीक है, रख रहा हूँ, चलो फिर चले। आने में दिक्कत तो नहीं हुई, सही है। मैं पता बहुत देर से आके बैठा हुआ हूँ, बोला कि कब आओगी कब आओगी, खाना भी नहीं खाया, नाश्ता भी नहीं करा, वो मैंने बता दिया था वीडियो में। हाँ ज़्यादातर 4 या 5 भी आती है ट्रेन। अब बस यहाँ से निकल के हम लोग घर पहुँचेंगे और फिर कुछ खाएंगे, पहली बात तो क्योंकि खाया नहीं मैंने कुछ, जल्दी बाजी में मैं भी निकला। अगर मैं घर से खा के भी चलता ना तो फिर आराम से आ जाता, अगर मेरा मन ही नहीं करा खाने का, मैं बोला चलो तुम्हारे साथ, तुम आ जाओगे तुम्हारे साथ में, अब ये उठाना पड़ेगा। इधर है इसका वो वाला नहीं है, इसका पकड़ने वाला इधर बीच में ही है, सेंटर में। कोई नहीं, छोटी हटी चाहिए ये, देखो ना तब भी सही है, टकरा नहीं रही है। अगर लंबी होती सही करा, कितनी देर पहले उतर खड़ी हो गई थी गेट पे, तभी खड़ी हो गई थी, एक मिनट हुआ। मैं इस साइड आया, मैं बोला कि शायद इस साइड से आगे चली जाएगी ट्रेन, तो चलो गाइस मिलते हैं गाड़ी पे। गाड़ी लेने जा रहे हैं, धूप में गर्म हो गई है गाड़ी और गर्मी भी बहुत हो रही है। जल्दी आ जाओ जल्दी, बाद में वही तो बोल रही हूँ, थोड़ी देर यहीं खड़ी, यहीं लगा दो, वही तो जल्दी जाएंगे। हाथ कपड़ा मारता हूँ गीला, सही है कर लो, गीला कपड़ा मार के डस्ट भी साफ हो जाएगी, वरना मैं ही चलूँगी।
तुम भी जल्दा हुए वही चल जाएंगे। वो आ गई ना तो टाइम काफी हो गया ना इसलिए, नहीं तो फिर अंडा देखो वो क्रेट रखी है, देखो वो वहाँ पर सामने अंडे की क्रेट है, वहाँ से लाओ यहीं से फोड़ के आमलेट बना दो तुम यार बैग गिर रहा है। हम लोग निकल रहे हैं, मैडम बैठ रही हैं, हटे सी यकीन से हटे जी। ठीक है चलो चलो गाइस घर पे मिलते हैं। तो गाइस हम लोग आ गए हैं घर पे और ये लगेज यहाँ पे रख दिया है, मैडम तो लेट गई हैं आराम से, थक गए हो सुबह सुबह उठे थे ना तुम। गाइस हम लोग पहुँच गए हैं सही सलामत अपने घर पर, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर ले, तुम क्या कर रही हो मेरे बाल बिगाड़। और अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो भी है। तो अब हम लोग ऐसे ही कहीं ना कहीं घूमने जाएंगे तो ब्लॉगिंग करेंगे। अब मैंने सोचा है मैडम को ले जा के साथ में कहीं ना कहीं घूमेंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एनर्जी ख़त्म है अब धूप से आके गर्मी में, और गर्मी बहुत है आज, हालत ख़राब हो गई बाइक में। तो गाइस बाय, अपना ध्यान रखना, चलो ठीक है, बाय बाय।